खोल दें या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा बोल, थोड़ा सा, आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुलहार, जुलहार के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हाइसा, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, अल-हाइसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मानमान के बेटे मज़ार, मज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे वसीमा, वसीमा के बेटे नाना, के नाना के बेटे नज़र। अच्छा मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह, हैं अल्लाह आपको सलामत रखे, बोल दो यार प्यार में। नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे आपके नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े हो बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, और हाथ उठा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, बोले मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी, दुनिया कुछ भी कहती रहे हम तो हर चौराहे पे खड़े हो गए, दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, यही कहेंगे क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारे बड़ी, हाथ उठा के बता दो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ बस यहीं से शुरुआत हुआ, हजरत ने कुछ इशारा दिया, अगर आप प्यार में बोल दो मोहम्मद, बैठ के पढ़ दीजिए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मौजू तो मेरे भाई ने बहुत अच्छा दिया, मगर क्या करूं, मजमा बजमा रात 12 बजे के बाद, रात के 12:30 बजे हैं, बस बस हालात कमजोर नजर आ रहे हैं। अरे प्यार में बोल दो मोहम्मद हमारे, अब ये नूर हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, मेरे नबी के बाबा हजरत अब्दुल्ला से ये नूर, सैयदा तैयबा ताहिरा पाकदा, मेरे नबी की सोनी 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 माँ सैयदा को मयसर हुआ। नबी की वालदा का बयान है, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, और नूरिया हुसैनपुर के जिंदा दिल लोगों को, यार तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ मेरे दोस्तों, आज का जमाना बड़ा डेंजर है, मेरे आपके घरों में भी बच्चे का जन्म होता, जिस दिन से हमल ठहरता 9 महीने तक, कभी ये डॉक्टर, कभी ये डॉक्टर नहीं, कभी ये अल्ट्रासाउंड, कभी ये रिपोर्ट, कभी ये चेकअप, कभी वो चेकअप, कभी ये टेबलेट, कभी वो रिपोर्ट, मगर मेरे नबी की माँ कहती है जब मेरे लाल का नूर मेरे शिकम में आ गया, 9 महीने का जमाना बड़ी मसरत के साथ गुजर गया, कभी कोई कुरानी, कभी कोई परेशानी, कभी कोई वजन, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, 9 महीने में मुझे महसूस ना हुई, तभी तो हम फिर कहते हैं मोहम्मद हमारे,
नौ महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, तवज्जो से जुमले सुने, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक चालो चलन है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर मेरे सरताज अपने घर का एक अजब अजब हाल है, अपने घर का एक अजब माहौल है, अपनी बेटी आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। मेरे आपके नबी के दादा सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी शरीक हयात मेरे आपके नबी की दादी से कहते हैं, तू औरत जात है। क्या कहते हैं? तू औरत जात है, तू जाके समझा दे, तू जाके मना कर दे, तू जाके आमना को बता दे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अब जुमला नोट करो, मेरे सरकार की दादी कहती है, ऐ मेरे सरताज ऐ मेरे शोहर मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को समझाऊं। उधर मजाक इधर मजाक, अच्छा पटाखों में मजाक है सरकार की विलादत है, जाने दो यार इधर देखो ना प्यार में, बहुत बस बोलो सुभान अल्लाह, बड़े प्यार की बातें देने लगा हूं, अल्लाह कसम सुनो सुनो सुनो। नबी की दादी शोहर अपने शोहर के करीब कहती हैं, ऐ मेरे सरताज ऐ मेरे शोहर मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना से जाके मना करूं, आमना को जाके समझाऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, एक जुमला इशारे का, आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, बस मेरी जबान पे बोल दो जैसे ही मैं आमना के चेहरे को देखती हूँ, आमना के चेहरे पर मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सरकार की दादी कहती है, मेरे शोहर और मेरे सरताज आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, ओ बेटी मक्के में बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ, तू बेटी जानती है जब किसी का तवज्जो है, जब किसी का एक मक्के का दस्तूर है, एक मक्के का रिवाज है, बेटी जब किसी शोर इंतकाल कर जाता है वो उसकी बेवा औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू न लगाती, ऐ मेरी बेटी आमना तू खुशबू न लगाए कर, नए नए कपड़े न पहना कर, तवज्जो से जुमले सुन, नए नए कपड़े न पहना कर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया सैयदा की आंखों अश्क बार है, सैयदा रोने लगी, आमना की आंखें अश्क बार है, रोते रोते अर्ज करती है, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाए। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता आता जाता आता जाता, बेटी ये खुशबू महसूस कर लेता। बोले प्यार में जी लगा के या रसूल अल्लाह, बेटी मैं तो घर में आता जाता ये खुशबू महसूस कर लेता हूँ। नबी की अम्मी रोते रोते अर्ज करते हैं, बाबा जान, जुमला नोट करें प्यार के साथ, अर्ज करती हैं, बाबा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई, पापा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, अब्बा जान मुझे पेड़ पौधों से, मुझे पहाड़ों से, मुझे पत्थरियों से, मुझे बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। अजय एक मसला भी हल हो गया, आज हम सलाम पढ़ते हैं ना, मुस्तफा जाले रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, तो लोग ताना देते हैं, लोग फतवा लगाते हैं, क्या कहते हैं, बरेलवा मसलक वाले नहीं कहते, ये बरेलवा मसलक वाले हैं, सुनो तो बच्चों के साथ। मैंने कहा चलिए हम तो बरेलवा मसलक वाले हैं, हम सलाम पढ़े, ये पेड़ पौधे ये पत्थर ये बूटे ये पत्थरिये नबी की अम्मी को देख के कह रहे हैं, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, जरा ये तो बताओ इनका कौन सा मसलक, बात सही है कि गलत है, जरा ये तो बताओ। फजले बरेलवी
हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शहर बरेली के मुजद्दिद तो अभी दुनिया में तशरीफ लाए 150 साल पहले, मगर जब नबी दुनिया में नहीं आए तब अपनी माँ के शिकम में आराम कर रहे थे, उस वक्त भी ये पेड़ पौधे पथरिए पहाड़ नबी की अम्मी को देख के कहते हैं, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, सलाम तुझ पे पियामिना तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। नबी की अम्मी कहती हैं बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े नहीं, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई, मैं पेड़ों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के झुरमुट से गुजरती हूँ, मुझे आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। बेचैन तो नहीं आप लोग? एक घंटे के करीब हो गया, बोले के खत्म करें।